तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को rummy.com ऐप में पॉइंट्स गेम कैसे खेलना है इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। यानी कि दोस्तों, पॉइंट्स रमी गेम का सारा रूल आज की इस वीडियो में बताऊंगा आप सभी के सामने, यहां पे लाइव प्रूफ गेम प्ले करके भी दिखाने वाला हूं। तो बस दोस्तों, जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना। फ्रेंड्स, अगर आप भी rummy.com ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हो rummy.com ऐप को यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है। और दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको आना है कैश वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको मिलेगा पॉइंट्स वाला गेम, यानी कि पॉइंट्स रमी आप यहां से खेल सकते हो। अगर आप पूल रमी, स्पिन एंड विन और डेस रमी यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को पॉइंट्स गेम कैसे खेलना है इसके बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, यहां पे मैंने पॉइंट्स गेम सिलेक्ट कर लिया है। अगर दोस्तों आप पहली बार खेल रहे हो तो यहां पे आप पहले प्रैक्टिस भी कर सकते हो, उसके बाद रियल पैसों से यहां पे आप गेम खेल सकते हो। तो दोस्तों, डायरेक्ट यहां पे मैं आप सभी के सामने रियल कैश वाला पॉइंट गेम खेलने वाला हूं। तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे आपको सिलेक्ट प्लेयर, आप दो प्लेयर में खेलना चाहते हैं या छह प्लेयर में खेलना चाहते हैं, ये यहां पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहां पे दो प्लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद दोस्तों, पॉइंट वैल्यू आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहां पे मैं रखता हूं ₹1 पॉइंट वैल्यू, अगर आप चाहे तो ₹2, ₹5, ₹10 या कम भी रख सकते हो। फिलहाल दोस्तों, मैंने ₹1 पॉइंट वैल्यू रखा है। अभी आप सभी के सामने यहां पे मैं प्ले नाउ कर देता हूं। आप देख सकते हो, मैंने प्ले नाउ कर दिया। अभी आप देख सकते हो, यहां पे सामने वाला प्लेयर आ चुका है और हमारा गेम जो है यहां पे स्टार्ट हो चुका है। यानी कि पॉइंट्स वाला गेम हमारा स्टार्ट हो चुका है। अभी आप देख सकते हो, यहां पे 13-13 पत्ते यहां पे बांटे जा चुके। तो दोस्तों, इस गेम को आपको कैसे खेलना है, 13 पत्ते को आपको पूरी तरह से सेट करना है। पहली चाल हमारा है, तो आप देख सकते हो एक सीक्वेंस यहां पे हमारा आया हुआ है। आप देख सकते हो, टाइम खत्म होने से पहले आपको चाल चल देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो इसमें जो एक यहां पे मैं सॉरी दोस्तों, यहां पे एक पत्ता में इसे ले लेता हूं। और आप देख सकते हो एक यहां पे हमारा, यहां पे आप देख सकते हो ग्रुप, यानी कि तीन का सेट यहां पे हो चुका है। और दोस्तों, आप देख सकते हो यहां पे जो है मैं इसमें एक जोकर डाल देता हूं। और दोस्तों, अभी आप देख सकते हो यहां पे 8 सेकंड बचे हैं। तो दोस्तों, एक पत्ता जो है 6 नंबर का पत्ता, इसे यहां पे मैं डिस्कार्ड कर देता हूं। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हो जोकर जो है वो यहां पे मैं इस सिक्वेंस में, यानी कि अनप्योर सिक्वेंस यहां पे मैं बना लेता हूं। आप देख सकते हो, बना लिया। अभी ये 9 नंबर का पेयर, अगर यानी कि ये 3 का सेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो दोस्तों, हमारा गेम जो है लगभग 90%। आप देख सकते हो सामने वाला प्लेयर जो है अभी पैक हो चुका है, यानी कि ड्रॉप जा चुका है। तो सामने वाले का जो है ₹20 लॉस्ट हो गया और ₹70 जो है उसमें से हमें मिल गया है। इस तरह से दोस्तों, आप ये पॉइंट्स रमी गेम खेलकर पैसा विन कर सकते हो। अगर तो अभी आप देख सकते हो वापस यहाँ पे हमारा दो प्लेयर में पॉइंट्स वाला गेम स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, इस बार आप देख सकते हो एक भी यहाँ पे हमें जोकर नहीं आया हुआ है और एक सिक्वेंस भी नहीं आया हुआ है। फिलहाल दोस्तों, एक सिक्वेंस यहाँ पे बन रहा है, लेकिन दोस्तों हमारा ज्यादा पॉइंट का लॉस्ट होगा तो ज्यादा लॉस्ट हो जाएगा। इसके लिए इस गेम को जो है मैं यहाँ पे पैक कर देता हूं। पैक होने पर दोस्तों, 20 पॉइंट का आपका ₹20 जो यहाँ पे लॉस्ट हो जाता है। यानी कि पैक होने पर आपका 20 पॉइंट का लॉस्ट होता है। अगर आप गेम खेल लेते हो तो आपका कितना पॉइंट लॉस्ट होता है उसके हिसाब से आपका यहां पे लॉस्ट हो जाता है। अभी आप देख सकते हो एक और बार यहाँ पे हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हो इस बार दोस्तों, आप देख सकते हो ये जैक वाला पत्ता जो है वो जोकर है। अभी आप देख सकते हो ये एक यहाँ पे एक हमें जोकर आया हुआ है, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमें सीक्वेंस नहीं आया हुआ है, एक भी सीक्वेंस नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे प्योर सीक्वेंस एक भी नहीं है। इस तरह से मैं लाइन्स को यहाँ पे बना लेता हूं। आप देख सकते हो लाइन्स यहाँ पे मैंने बना लिया है। अभी आप देख सकते हो एक पत्ता यहाँ पे फेंका है, एक पत्ते को लेकर जो है हमारा प्योर सीक्वेंस बन रहा है। आप देख सकते हो एक यहाँ पे हमारा प्योर सीक्वेंस बन गया, इसे मैं ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप कर लिया। अभी दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मैं ये बेगम वाला पत्ता जो इसे यहाँ पे मैं डिस्कार्ड कर देता हूं, क्योंकि 10 पॉइंट वाला पत्ता है, इसके लिए मैंने डिस्कार्ड कर दिया। और दोस्तों आप देख सकते हो एक जो है इसमें मैं ये जोकर डाल के अनप्योर सीक्वेंस यहाँ पे बना देता हूं। अभी आप देख सकते हो इस तरीके से हमारा गेम जो है और रेडी हो चुका है। दोस्तों अभी भी आप देख सकते हो हमारा पॉइंट कितना बचा है। आप देख सकते हो ये सारा का सारा इतना पॉइंट है हमारा काउंट हो जाएगा। अगर सामने वाला प्लेयर आप देख सकते हो एक यहाँ पे एक और प्योर सीक्वेंस हमारा बन चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे प्योर सीक्वेंस बन चुका है, तो ये 10 पॉइंट वाला पत्ता इसे यहाँ पे मैं डिस्कार्ड कर देता हूं। अभी हमारा पॉइंट कितना बचा है यहाँ पे आप देख सकते हो, 2 और 2 4 पॉइंट और ये 9 पॉइंट, यानी कि 13 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, टोटल हमारा 16 पॉइंट बचा है।
आप देख सकते हो हमारा 16 पॉइंट बचा है। तो अगर सामने वाला प्लेयर गेम को विनिंग कर लेगा तो आप देख सकते हो सामने वाला प्लेयर ने गेम को विनिंग कर लिया, हमारा 16 पॉइंट का लॉस्ट हुआ है। तो 16 पॉइंट का हमारा 16 रुपया यहाँ पे लॉस्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो 16 पॉइंट और यहाँ पे 16 रुपया हमारा लॉस्ट हो गया। इस तरह से दोस्तों आप जो है यहाँ पे ये पॉइंट्स वाला गेम खेलकर पैसा विन कर सकते हो। अगर दोस्तों आपने गेम को विनिंग किया और सामने वाले ने 50 पॉइंट दे दिया तो आपको 50 रुपया यहाँ पे मिल जाएगा। अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है। इस बार दोस्तों आप देख सकते हो एक यहाँ पे हमें जोकर आया हुआ है, बेगम वाला जोकर हमें नहीं आया हुआ है। आप देख सकते हो एक जोकर यहाँ पे ओपन हुआ है लेकिन पहला चाल जो है वो सामने वाले का था तो सामने वाले ने जोकर को ले लिया। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमें एक पत्ता फेंका है, हमें एक भी प्योर सिक्वेंस नहीं है तो हमारा ज्यादा पॉइंट का लॉस्ट होगा। इसके लिए इस गेम को जो यहाँ पे मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप कर दिया दोस्तों, यहाँ से आपको कैंसिल करना है और यहाँ पे आपको लीव टेबल करके यस कर लेना है। इसलिए करके दोस्तों आप यहाँ से टेबल से बैक आ सकते हो। अगर आप 6 प्लेयर में खेलना चाहते हो तो 6 प्लेयर को आपको ऐसे सिलेक्ट करना है। 1 रुपए पॉइंट वैल्यू मैंने सिलेक्ट कर लिया, अगर आप चाहे तो ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे मैं प्लेन आउट कर देता हूँ। आप देख सकते हो 6 प्लेयर में यहाँ पे मैंने प्लेन आउट किया है। अभी आप देख सकते हो 1 प्लेयर 2 3 4 प्लेयर आ चुके हैं। तो 4 प्लेयर जो है अभी यहाँ पे गेम स्टार्ट हो जाएगा। 4 प्लेयर में गेम स्टार्ट हो चुका है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमें एक जोकर आया हुआ है। आप देख सकते हो 2 जोकर है, ये 2 हमारा जोकर है और एक आप देख सकते हो प्योर सिक्वेंस आया है। प्योर सिक्वेंस आया है दोस्तों, अगर आप 6 प्लेयर में खेल रहे हो तो आपका ज्यादा विनिंग हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा प्लेयर रहेंगे तो आपका ज्यादा विनिंग होगा। आप देख सकते हो तो यहाँ पे मैं जो एक यहाँ पे 3 का सेट यहाँ पे इस तरीके से बना लेता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आप देख सकते हो एक ये यहाँ पे ग्रुप कर लेता हूँ, ग्रुप कर लिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारा ग्रुप नहीं हो रहा है, पहले हमें एक अनप्योर सिक्वेंस बनाना होगा तभी हमारा सेट वाला ग्रुप होगा। अब देख सकते हो यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे पहले से ही पत्ता था वही पत्ता वापस आया, तो एक पत्ता जो यहाँ पे मैंने 10 पॉइंट वाला पत्ता को डिस्कार्ड कर दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले एक हमने एक प्योर सिक्वेंस बना लिया है, एक दूसरा हमें अनप्योर सिक्वेंस बनाना होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं ग्रुप करके यहाँ पे 3 का सेट बना सकता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं 3 का सेट बनाना भी चाह रहा हूँ लेकिन यहाँ पे बन नहीं रहा है क्योंकि हमें एक अनप्योर सिक्वेंस बनाना होगा। तो यहाँ पे अनप्योर सिक्वेंस वाला एक भी लाइन नहीं है, इसके लिए यहाँ पे हमें पत्ता आएगा तो उसके बाद हम खेलेंगे। आप देख सकते हो तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो इस प्लेयर का चाल है, ये प्लेयर जैसे ही चाल चलेगा हमें यहाँ पे चाल आ जाएगा तो हम जो है यहाँ पे अनप्योर सिक्वेंस बना लेंगे। अगर ये पत्ता हमें मिलता है ये प्लेयर ड्रॉप जाता है, ये पत्ता मिलता है तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा अनप्योर सिक्वेंस यहाँ पे बन जाएगा। आप देख सकते हो तो यहाँ पे हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो सामने वाला प्लेयर जो यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है, तो इस पत्ते को यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। आप देख सकते हो एक जोकर ले लेता हूँ और एक इसे ग्रुप कर लेता हूँ। आप देख सकते हो ग्रुप कर लिया दोस्तों, आप देख सकते हो 6 ग्रुप आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। पहले तो मैं एक इस पत्ते को यहाँ पे डिस्कार्ड करूंगा। आप देख सकते हो अभी यहाँ पे एक पत्ता उठाया, एक ए वाला पत्ता उठाया, एक जोकर इसे मैं ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप कर लिया, ग्रुप हो गया। अभी आप देख सकते हो एक बेगम, एक दूसरा बेगम और एक जोकर इसे भी यहाँ पे ग्रुप कर लेता हूँ। आप देख सकते हो 3 ग्रुप यहाँ पे मैंने कर लिया है। अभी इसको हमें पूरी तरह से सेट करना है तो एक पत्ता यहाँ पे खींच लेता हूँ। 10 नंबर का पत्ता आया है, ये जो 8 नंबर का पत्ता है इसे यहाँ पे मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ और ये 8 और ये जोकर और एक 10 नंबर इसे यहाँ पे मैं ग्रुप कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हो इतना पॉइंट हमारा बचा है। अगर सामने वाला प्लेयर शो कर लेता है तो इतने पॉइंट का हमारा लॉस्ट होगा। अगर दोस्तों ये भी हमने यहाँ पे सिक्वेंस में बना लिया या सेट में कन्वर्ट कर लिया तो हमारा यहाँ पे गेम जो है वो विनिंग हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा चाल आ जाएगा। तो आप देख सकते हो 2 नंबर यहाँ पे फेंका है तो हमारे किसी भी काम का नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा सिक्वेंस बन चुका है। 4 नंबर का पत्ता जो है इसे मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। अभी जैसे एक लाइन हो जाएगा हम जो जोकर डाल के हमारे पॉइंट जो है वो सेव कर लेंगे। अभी आप देख सकते हो सामने वाले ने भी चाल चल दिया है। अभी एक कौन सा पत्ता हमें देता है आप देख सकते हो, एक सामने वाला कोई भी एक अच्छा पत्ता दे देगा लाइन में आ जाएगा इसे। आप देख सकते हो शो करवा दिया और हमारा 6 और 2 12 6 4 और 2 यानी कि 12 पॉइंट का यहाँ पे लॉस्ट हो चुका है। आप देख सकते हो 12 पॉइंट का हमारा 12 रुपया लॉस्ट हो चुका है। तो दोस्तों इसे भी यहाँ मैं कैंसिल करता हूँ और लीव टेबल करके यहाँ से बैक आ जाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने बहुत बार गेम प्ले किया, एक बार भी यहाँ पे मेरा विनिंग नहीं हुआ। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है पॉइंट श्रमिक गेम खेल सकते हो। दोस्तों आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को एक लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों।